हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बलराम मिश्रा और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका कुछ भेजे हुए डॉट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये आपका एक पहला डॉट है जिसमें आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन भेजा है कि यहां पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर ए बी एंड सी इज 50 स्क्वायर यूनिट देन फाइंड मॉड जेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ आपको बोलूँगा, उसको अगर आप थोड़ा सा याद रखोगे तो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है और आपको मॉड ऑफ जेड पूछ रहा है। तो अगर कभी भी जैसे आपको मान लो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है या कभी एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें आपको मॉड ऑफ जेड पूछ रहा है, ठीक है, तो एक चीज़ आप समझ लो। सबसे पहला चीज़, जो यहाँ पे हमारा जेड जो कम्प्लेक्स नंबर है वो एक वेरिएबल होगा हमेशा ही, ठीक है। तो अगर हमें मॉड ऑफ जेड फाइंड करना है तो यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, इस जेड को आप कुछ भी ऐसा मान लो जिससे ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं जेड को कुछ ऐसा मान लेता हूँ एक्स, ठीक है, जेड को अगर मैं एक्स मान लिया, मतलब मैं जेड को प्योरली रियल मान रहा हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक्स प्लस आई वाई मानना चाहते हो मान सकते हो, ठीक है, उस केस में आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा और आप मॉड ऑफ जेड फाइंड कर पाओगे, लेकिन वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जेड को अगर एक्स मान लिया, प्योरली रियल मान लिया, अगर आप जेड को आई वाई मानना चाहते हो या एक्स इंटू आई मानना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा ए जो है वो जेड है, ठीक है। तो अगर आई जेड की बात करें वो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इंटू आई, समझ में आया। अगर आपका ये जो सी है हमारा क्या है, जेड प्लस आई जेड, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आई एक्स। अब यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये हमारा ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स इंटू आई है और यहाँ पे हमारा एक्स प्लस आई एक्स आएगा कुछ, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये हमारा ए है, ये बी और ये हमारा सी है। यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, एक्स होगा और ये भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा। इसका अगर हम एरिया का बात करें, ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स इंटू एक्स, और ये हमारा कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ से ये हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मॉड ऑफ जेड का मीनिंग क्या है, मॉड ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर अगर 100 है तो मॉड ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 10। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है, हम लोग यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आप जेड को एक जनरल कम्प्लेक्स नंबर मान के बनाओगे तो भी आप बना सकते हो, लेकिन उस केस में जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है।